ऑलराइट, सो रेडियो सिटी पर मैं हूँ दिव्या और आज मैं अपने दिल्ली के स्टूडियो को छोड़कर काफ़ी दूर आकर जयपुर में बैठी हूँ विद दिस वेरी वेरी गॉर्जियस छवि रजावत। मैं अब बताती हूँ कि मैं इनसे क्यों मिलने आई हूँ। मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा है और मुझे लगता है कि ये नाम है जिसे आपने भी कभी ना कभी पेपर में, वेबसाइट पर पढ़ा होगा। एंड इट्स टाइम टू एक्चुअली हियर हर स्टोरी, क्योंकि एक लड़की होकर यंगेस्ट सरपंच ऑफ अ विलेज इन राजस्थान होना, विद द काइंड ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड दैट शी इज़ कम फ्रॉम, ये रोज की स्टोरी नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शीरोज में आई रियली नीड टू गेट छवि रजावत। वेलकम। थैंक यू। सो छवि, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब शीरोज कॉन्सेप्ट बनाए ना, कि इट्स नॉट अ स्टोरी जहाँ मैं बोलूँगी ओ माई गॉड पेन है, मैंने ये प्रॉब्लम की। शीरोज आई नो अ वुमन हु डन थिंग्स अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से। बिफोर आई टॉक अबाउट पहले का, हाउ एंड हु इज छवि रजावत टुडे, आज छवि कौन है? Oh, well, it's this woman who's sitting right next to you. छवि, मैं थोड़ा सा आपका एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँगी बिफोर वी कम टू दिस। LSR दिल्ली लेडी श्रीराम कॉलेज, जिसकी कट ऑफ में लोगों के नाम नंबर नहीं आते, यू हैव डन योर मैनेजमेंट, आपने हमारी तरह कॉर्पोरेट जॉब्स में काम किया है, 9 to 5 जॉब्स किए हैं, स्विच कैसे हुआ फिर? इत्तेफाक से, आई डू कॉल इट अ ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि मैंने खुद ने प्लान नहीं किया था सरपंच बनना। ऑफकोर्स मैं मेरे गांव से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, लगाव बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि मैं बोरिंग स्कूल प्रोडक्ट हूँ, तो मेरी जब छुट्टियाँ होती थी, मैं साउथ में पढ़ी हूँ, तो वहाँ जब छुट्टियाँ होती थी नॉर्थ में सब स्कूल जाते थे, तो इस कारण। और जब मैं छोटी थी तब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स साल में मान लीजिए 11 महीने गाँव में ही रहते थे, और मैं उनसे काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड रही हूँ, तो मेरी जो छुट्टियां होती थी वो मैं ज़्यादातर गांव में ही स्पेंड करती थी, जिसकी वजह से मेरा जो बॉन्ड गांव वाले के साथ जो रहा है, खासकर जो गांव के बुज़ुर्ग हैं उनके साथ जो रहा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। और ये जो विचार आया सरपंच बनने का या बनाने का, वो मेरा खुद का नहीं था पर हमारे गांव के रेजिडेंट्स का था। वाओ। क्योंकि 2010 में रिजर्व सीट थी महिला के लिए, और गाँव वासियों को मेरे परिवार पे काफ़ी भरोसा रहा है, क्योंकि भले ही लीडरशिप रोल में नहीं हो, परंतु हमेशा अगर किसी को ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो किसी भी प्रकार की, तो उन्हें पता था कि हमारे परिवार में, चाहे मेरे ग्रैंडफादर हों, चाहे मेरे फादर हों, इवन द लेडीज़ इन द फैमिली, वी वर ऑलवेज देयर टू हेल्प। सो उन्हें ये लगा कि ओल्डर जनरेशन ऐसे रही है तो ज़रूर अगली पीढ़ी भी कुछ ऐसी ही हो शायद। तो शायद इसी विचार से उन्हें लगा कि डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है, और साथ में जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो नेचुरली कंटेमिनेटेड है और एक्सट्रीमली सलाइन, मतलब उसमें खारापन बहुत है, तो इस कारण वो खेती के लिए भी अनसेफ डिक्लेयर हो रखा है। अगर खेती के लिए, प्लांट्स के लिए अनसेफ है, सो इट्स बट नेचुरल की ह्यूमन बींग्स के कंजम्पशन के लिए भी अनसेफ है। तो हम सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर करते हैं, और राजस्थान में आपको पता है कि बारिश की स्थिति क्या है, हर कुछ सालों के बाद अकाल घोषित हो जाता है। इनफैक्ट 2009 में हमारे क्षेत्र में अकाल घोषित हो रखा था एंड इट वॉज़ वेरी सिवियर। इनफैक्ट हमारे जो पशु थे गांव में वो भी काफ़ी मर गए थे, क्योंकि उनके पास पानी और चारा नहीं था। सो समस्या काफ़ी गंभीर थी, इसलिए जब गांव वालों ने आके मुझे बोला कि हम चाहते हैं कि आप सरपंच बने, जिससे हमें कुछ डेवलपमेंट तो दिखे, क्योंकि 20 साल से एज सच कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो पाया था। एंड तो जब वो आए और मैं जानती थी कि गाँव में क्या समस्याएँ हैं, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं खुद गांव की बेटी होते हुए अगर गांव के लिए आगे नहीं आई मदद करने के लिए, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि बाहर से कोई आएगा। जब हमने पहली ग्राम सभा में प्रस्ताव आगे रखे सरकार को कि भाई हमें हमारे गांव में ये काम करवाने, तो हम एक वी वेंट अ स्टेप फर्दर, वी लिस्टेड डाउन आर प्रायोरिटीज़ और आर प्रोजेक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, एंड ऑफकोर्स पानी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हमारी प्राथमिकता थी। और मैं एक स्टेप और आगे गई, जहाँ पर मैं ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जाके जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उन सब से मिली, और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमारे पानी के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप पहले स्वीकृत करें।
परंतु उसके बावजूद हमारा पहला प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ था वो एक आंगनबाड़ी सेंटर था. वाओ. सो यस नीडेड बट इट वाज नॉट द नीड ऑफ द आवर. सो दिस क्लियरली शोज द काइंड ऑफ मिसमैच दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन व्हाट द ग्राउंड रियलिटी इज एंड बिटवीन हाउ द प्रोजेक्ट्स गेट फंडेड राइट. सो इसलिए मुझे और लगा कि ज़रूरत है कि गांव की आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि यस अ लॉट इज़ रिटन अबाउट बट ऑफ कोर्स नॉट इन डिटेल. अ लॉट इज़ हर्ड अबाउट बट ऑफन इट ऑल्सो टेंड्स टू गेट स्क्यूड या सुपरफिशियल लेवल पे होता है. तो लोगों को ये लगता है कि अभी बहुत पैसे हैं बट वास्तविकता में पंचायत में डायरेक्ट फंड्स कितने आते हैं, सरपंच की ऑनरेरियम कितनी है, पंच मेंबर्स की ऑनरेरियम कितनी है और सेक्रेटरी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी सैलरी कितनी है, ये बेसिक चीज़ें तक मैंने देखा है कि आम जनता ही नहीं परंतु काफ़ी लोग जो गवर्नमेंट में हैं ब्यूरोक्रेसी में हैं उन तक को नहीं पता है. right. और ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाए क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पे ऑफ कोर्स स्टेट वाइज एवरीथिंग इज़ डिफरेंट बट राजस्थान की बात करें तो 2010 में जब मैं पहली बार इलेक्ट हुई थी तो उस समय जो फंड्स डायरेक्टली पंचायत में आए थे दैट अमाउंटेड टू अबाउट 20 लाख ऑफ रुपीज़ फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 7,000 प्लस पीपल. तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इट रियली इज़ नॉट वेरी मच. अगेन वी कैन नॉट यूज़ द फंड्स एज पर आर डिस्क्रेशन. हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार हम बस हम प्रस्ताव रख सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे इवन फंड्स जो हम खुद जनरेट करते हैं जैसे हमने पहले साल में फिशरीज लकली बारिश अच्छी हुई हम कुछ काम कर पाए हमारे तालाब में उसे डीसिल्ट किया जिससे पानी की भरने की क्षमता बढ़ी और ज़्यादा पैसे नहीं बट फिर भी समथिंग बेटर देन नथिंग. सो विद द फिशरी कॉन्ट्रैक्ट वी वर एबल टू रेज अबाउट 1 लाख ऑफ रुपीज. परंतु हमें ये बताया गया कि आप इसको भी अपने अनुसार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से परमिशन की ज़रूरत है. सो इफ यू रियली लुक एट इट द एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायत हैज नॉट ट्रूली हैपेंड एंड दैट नीड्स टू हैपन. अगर डेवलपमेंट हमें दिखना है तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अलाउ पंचायत टू हैव एक्सेस टू बेटर फंडिंग एंड यूटिलाइज द फंड्स एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट. Audits need to be there, definitely, but you also need to grant freedom for villages to do work as per their requirements. तो ये चीज़ें हैं जो अक्सर सामने नहीं आती हैं. जो ऑनरेरियम सरपंचों को मिलता है राजस्थान में आज की तारीख में इट इज़ 4,000 रुपीज पर मंथ. मेरा फ़ोन का बिल जो अगर मैं डेटा यूज़ करती हूँ दैट इन इटसेल्फ इज़ मोर. एंड ठीक है मैं थोड़ी लकी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं who support me financially and therefore I don't really need and my needs are very very basic. तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है. Even though of course I had you know a very plush job in the corporate sector getting amazing amount of package. Yes. But I personally don't really miss it. But ये जो benefit है ये जो सपोर्ट मिल रहा है मेरे को ये हर सरपंच को नहीं मिलता है. इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जैसे हमारे क्षेत्र में हैं जहाँ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इट्स एन एग्रेरियन इकोनॉमी जो बारिश पर निर्भर करती है. अगर बारिश नहीं हो तो खेती नहीं है, खेती नहीं है तो पैसा नहीं है, खाना नहीं है. तो एक इंडिविजुअल के लिए और आज भी गाँव में जॉइंट फैमिली है तो एक इंडिविजुअल कैसे उस ऑनरेरियम पर सर्वाइव करेगा तो वो ऑब्वियसली यही सोचेगा या सोचेगी कि मैं कैसे अपने परिवार को प्रोवाइड करूं. एंड देयरफॉर द फोकस फ्रॉम डेवलपमेंट गेट्स अ लिटिल लॉस्ट एंड देयर फोकस इज टू मीट अप विद देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हिच आई थिंक इज ओनली फेयर. सो दिस इज लाइक द बेसिक रियलिटी दैट आई बिलीव एवरीवन शुड नो अबाउट बट नोबडी नोज़. सो द रीज़न व्हाई आल्सो आई वांटेड टू इंटरव्यू वाज बिकॉज़ youngest sarpanch woman sarpanch yes all those things are big but andar ki ground reality kisi ko nahi pata. hum civics book mein I think 8th class ke baad ya 9th class ke baad hum shayad main bhi personally hoti mujhe nahi pata hota and I'm so glad that I'm here ma'am. aapka sarpanch banne ke baad and of course a lot of people would have asked you the other men sarpanch and it is Rajasthan uske bare mein bhi janna chahungi initially kya pratikriya kya reactions the ki ek mahila aayi hai hamare beech mein.
I think I've been very lucky and blessed because in my village, I'm seen as the daughter of the village. That kind of really, really works as a great advantage for me. Because in the village, sabhi log mujhe gaon ki beti ke roop mein dekhte hain, to support mujhe bahut mila hai. Is had tak ki jahan maan lijiye kuch kaam ho raha hai development ka, jaise road ban rahi hai, thoda sa encroachment hai, to of course hum logon ko samjhate hain ki bhai aap aaj ke bare mein nahi, aap 20 saal 30 saal aage ka sochiye. Theek hai, aaj do pahiya vaahan hai, kal ko char pahiya vaahan honge. और भगवान न करे अगर कुछ ऐसा हादसा होता है जहाँ फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है या एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो अगर सकड़ी रोड होंगी तो वो ये ऐसी गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी. तो इस प्रकार हमने जब बातचीत की तो फिर लोगों ने अपने आप, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा समस्या अगर एक है वो है अतिक्रमण की है, एनक्रोचमेंट की है. तो काफ़ी लोगों ने अपने घर से बाहर आके चबूतरे बना दिए, सीढ़ियाँ बना दी, दीवार आगे ले ली. पर सिर्फ ये डिस्कस करने से ही काफ़ी लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके अपने आप, भले मिट्टी के मकान हैं परंतु लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, लेबर लगती है, समय लगता है. तो उन्होंने, एंड दिस टचेस माई हार्ट एंड गिव्स मी गूज बम्स एवरी टाइम आई से दिस, दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग डाउन वॉल्स ऑफ द एंटायर हाउसेस टू प्रोवाइड एंड मेक श्योर दैट दैट स्पेस, जैसे कि हम चौड़ी सड़कें बना सके और नालियाँ बना सके. तो ये इस प्रकार का हमारे पार्टिसिपेशन सपोर्ट रहा है. और एक दो बार, जैसे मुझे अभी भी याद है, हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग एक व्यक्ति थे, चार भाई जिनकी बनती नहीं थी आपस में, तो उनमें से सबसे बड़ा जो था उसका मकान टर्न पे था और थोड़ा सा उनका उनकी जो दीवार थी हमें तोड़नी नहीं थी, बस नाली के लिए हमें एजेस को, नीचे जो होता है स्कर्टिंग वाला एरिया, उसको चिप करना था जिससे नाली के लिए आराम से वो जगह मिल जाए और हमें रोड सकड़ी नहीं करनी पड़े. तो हमारे पंचायत सेक्रेटरी जो एक पुरुष थे, पंच मेंबर्स तीन उस समय जो वहाँ गए थे उनको उनको समझाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं, आप लोगों को मेरा घर नहीं छूने दूंगा. तो वो अड़े रहे दो दिन तक, तीन दिन तक मेरे ख्याल से सभी आदमियों ने कोशिश कर ली, पर वो टस से मस नहीं हुए. तो फिर सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आप क्यों नहीं आते हैं, एक बार उनसे बात कर लीजिए, शायद कुछ हल निकल जाए, या वो क्या चाहते हैं वो हमें नहीं बता रहे, वो आपको बता देंगे. तो मैं वहाँ पहुँची अगली सुबह और मैंने कुछ बोला भी नहीं. वो बुज़ुर्ग व्यक्ति ने मुझे देखा, उन्होंने बोला आप करवा रहे हो? मैंने बोला हाँ, सेक्रेटरी और पंच मेंबर आपके पास आए हैं, इसका मतलब पंचायत का काम है, मतलब हाँ हम सब मिल के करा रहे हैं. तो ऐसे, अच्छा आप पहले आ जाते, अब आप करा रहे हो तो इतना सा क्या चिप करना है, आप तो मेरी पूरी दीवार ही तोड़ दीजिए. और खुद वहाँ खड़े होके उसी बुज़ुर्ग आदमी ने दीवार तोड़वाने के लिए वो खुद आ गया. पर मैंने बोला नहीं, हम आपको दीवार नहीं, आपकी दीवार नहीं तोड़नी है, वी जस्ट वांट टू चिप इट. सो दैट्स द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट आई हैव रिसीव्ड. ऑफकोर्स जो लोग गलत करते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मैं किसी प्रकार का बायस नहीं रखूँगी, आई एम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बी इट कास्ट और रिलीजन और जेंडर. तो ये एक चीज, एंड ऑफ कोर्स मैंने साथ में लोगों को ये भी बोला कि अगर भले ही मैं पंचायत में उपस्थित नहीं हूँ, पर आप सबका पूरा हक है कि किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड आप कभी भी जाके जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं ये आपके लिए आ रहे हैं, एंड देयरफॉर यू हैव अ राइट टू नो व्हाट द फंड्स आर, हाउ मच इज़ कमिंग इन, व्हाट इट इज़ फॉर, एंड वेयर इज़ इट बीइंग यूटिलाइज्ड. एंड मेरे ख्याल से ये शुरुआत में ही ये बोलने की वजह से लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास हुआ और इस कारण भी काफ़ी सपोर्ट मिला. परंतु साथ में जो लोग जो गलत करते हैं उनको शायद कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी हुई है. तो फिर हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स बीन अ वेरी स्मूथ सेलिंग फेस फॉर मी. जहाँ जहाँ हिंड्रेंसेस हुई हैं तो वो इन्हीं लोगों से हुई हैं, और काफ़ी हद तक इनसिक्योरिटी जो ग्रास रूट पॉलिटी है या जो पॉलिटिक्स में आने के लिए एस्पायर करते हैं, सो ऑब्वियसली उन्हें लगता है कि आई एम अ पोटेंशियल थ्रेट. सो बाहर से ज़्यादा hindrances kabhi na kabhi aa jati hain, but within the village it has been really, really amazing, the kind of support I've received from men, women, youth, children, because I think also kyunki unhe lagta hai ki main sabki baat sunti hu. I practice is the servant leadership, where it is not something that I impose. I always hear everybody first, aur main hamesha aakhir mein bolti hu jab mujhe lagta hai ki idea
ट्वीक हो सकता है. उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप होती है. क्योंकि अगर मान लीजिए आप मेरे पास कुछ बोलते हैं कि भाई अपनी छवि ये प्रॉब्लम है, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा भाई दिव्या आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है. सबको पता है, बट कभी कभार हम सोचते नहीं हैं, इसलिए वी डोंट कम अप विद इट, राइट? सो व्हेन द मिनट यू गिव मी द सोल्यूशन एंड इट इज समथिंग दैट विल वर्क, देन ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूट होता है, यू योरसेल्फ विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट. ट्रू. सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज परहैप्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द विलेज हैज बीन यूज्ड टू. And women also come forward also because they see me as a woman who will understand. So they're not shy about coming forward and asking for the things that they need. And likewise with the youth and the children, because luckily I think I'm able to give them a feeling of a friend, of an individual who's a friend and who probably is young at heart and all of that. So wo bhi apni ऐसी चीज़ें मेरे सामने उन्होंने डिस्कस की है जो मुझे पता है कि वो कभी भी अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन के साथ भी डिस्कस नहीं करेंगे. सो आई थिंक दैट बीइंग इंक्लूसिव मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड व्हेन पीपल सी इट आई थिंक योर वर्क स्पीक्स फॉर योरसेल्फ एंड विद दैट आई थिंक दैट्स हाउ द बॉन्ड हैज ओनली इंक्रीज्ड. दिस इज वन ऑफ दोस रेयर इंटरव्यूज वेयर आई जस्ट डोंट वांट टू स्पीक एट ऑल बिकॉज देयर इज सो क्योंकि सब कुछ नया है जो मैं सुन रही हूँ, यू नो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड वॉच दिस बिकॉज आप सोशल मीडिया पे बहुत कम आते हो. आप के बारे में अगर पढ़ना है तो वो कुछ स्टोरीज जो आप पे होंगे लकीली उससे पता चलता है. क्यों दूर रहते हो आप सोशल मीडिया से? अब उनसे मैं दूर रहती हूँ. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टीम नहीं है जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके, तो सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ. तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है. तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँ तो मेरे लिए मेरा काम बेसिकली है कि गाँव में काम करना, डेवलपमेंट लेके आना. मेरा जो टर्म है इट्स लिमिटेड, सो आई नीड टू बेस्ट यूटिलाइज दैट टाइम. क्योंकि सोशल मीडिया ऑल्सो मुझे लगता है, ऑफकोर्स कभी कभार मुझे लोग नज करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं कुछ डाल देती हूँ, पर आई डू रियलाइज कि सोशल मीडिया इज ऑल्सो समथिंग दैट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट अटेंशन. तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो बैंडविड्थ नहीं है, मेरे पास ऐसी टीम नहीं है जिनके साथ मैं काम कर सकूँ, मुझे वो सपोर्ट मिल सके. टीम तो अभी एक मैं हूँ. Thank you so much. But I think we need it, Chhavi, and I know I've taken a lot of your time. You've spoken about mom, dad. ऐसा हुआ है जो महिलाएं हैं गांव में, क्योंकि राजस्थान की जब हम बात करते हैं ना, कई सारी ऐसी पुरानी रूढ़िवादी सोच जिसकी हम बात करते हैं वो आज है. I'm sure with you changes आए होंगे, but issues like child marriage, education, वो कैसे बदला है कुछ पिछले कुछ टाइम में? डायलॉग से बात करके, क्योंकि मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि वो बातचीत जो होनी चाहिए, वो कॉन्वर्सेशन जो होने चाहिए हैं, वो अक्सर लोग नहीं करते हैं. ऑफकोर्स सरकार में जो है उनके पास टाइम नहीं होता है, मैन पावर कम है ग्रामीण क्षेत्र में. एक जूनियर इंजीनियर को कम से कम 11 पंचायतें दी गई हैं, तो उसके लिए भी ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि वो हर जगह साइट, सिर्फ साइट मॉनिटरिंग, बातचीत तो दूर की बात है, जहाँ पर काम हो रहा है उसको मॉनिटर कर ले एक हफ्ते में, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. साथ में जो एनजीओज, मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी एनजीओज ऐसे हैं, उनके भी टारगेट्स होते हैं, उनके भी एजेंडाज होते हैं. तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनके पास भी वो बैंडविड्थ नहीं होता कि वो कॉन्वर्सेशन जो होनी चाहिए वो हो पाए. कुछ हाँ ज़रूर समय निकालते हैं एंड दैट्स वेयर यू सी द इम्पैक्ट हैपनिंग. बट सिर्फ एक सिंपल कॉन्वर्सेशन और नोइंग कि कहीं ना कहीं कोई है जो हमें मॉरल सपोर्ट दे सकता है, उसी से ही जो बदलाव आता है, इट इज़ फिनोमिनल. अगेन दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल्स, मे बी थ्री इफ़ यू विल अलाउ मी द टाइम. जब हम मेरी टीम पहली बार जब इलेक्ट हुई थी 2010 में, तो हमारी टीम में 12 मेम्बर्स हैं मुझे मिला के, जिसमें से 4 पुरुष और बाकी सब महिलाएँ. और तो जब हम इलेक्ट हुए तो ऑफकोर्स फर्स्ट मीटिंग जो हमारी रखी गई उसमें सिर्फ 2 या 3 महिलाएं आई थी, बाकी सब पुरुष थे. तो फिर मैंने उनको देखा, मैंने बोला कि भाई कहाँ हैं जो हमारी वाकई में पंच मेंबर्स हैं? तो हस्बैंड्स ने उन महिलाओं के जो हस्बैंड थे उन्होंने हाथ उठा लिए. तो फिर मैंने पूछा भाई अगर आपको यहाँ बैठना था तो फिर आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़े, उनको क्यों आगे किया? अब जब आगे किया है आपने उनको, तो उनको यहाँ पर आने तो दीजिए, अपना काम तो करने दीजिए. और साथ में मैंने बगैर कुछ सोचे समझे मैंने सिर्फ एक चीज़ और बोली, क्योंकि हम पूरे 12 में से सिर्फ 2
मतलब ग्रेजुएशन कर चुके थे और एक व्यक्ति था जिसने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई करके छोड़ दी थी, वो भी पुरुष था। बाकी सिर्फ साक्षर थे, सिर्फ अपना हस्ताक्षर कर सकते थे पर पढ़ लिख नहीं सकते थे, जो मुझे पता था। तो मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर मैं भी कोई डॉक्यूमेंट देती हूँ जिस पे पंच मेंबर्स के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं, मैंने बोला मैं चाहूँगी कि वो सब जो नहीं पढ़ सकते हैं वो ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके आएँ जो जिन पे उन पे पूरा भरोसा है, चाहे वो उनका हस्बैंड हो या बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, कोई भी हो। परंतु जब तक वो खुद नहीं समझे कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं चाहूँगी कि वो हस्ताक्षर करें। और शायद मेरा सिर्फ इतना ही बोलना था तो जो वहाँ पे पुरुष बैठे थे उन्हें लगा कि शायद इस पंचायत में हमारी जो महिलाएं हैं उनके पद का दुरुपयोग नहीं होगा। और मुझे लगा कि ठीक है, ये अपनी वाइफ, रिस्पेक्टिव वाइफ को ले आएंगे पर शायद खुद भी साथ में बैठेंगे। बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि एक भी पुरुष वापस नहीं आया, उन्होंने अपनी महिलाओं को भेज दिया। और फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम हर वार्ड और हर ढानी में, हैमलेट में जाके लोगों को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि अक्सर सिर्फ जिस वार्ड के लोग हों उन्हें पता होगा कि उनके वार्ड का पंच कौन है, लेकिन दूसरे वार्ड पंचों का या के बारे में उनको नहीं पता होता था। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जिससे कि सबको पता हो कि वाकई में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं। और हमने ये निर्णय लिया कि उस वार्ड का जो पंच था वो खुद पूरी टीम को, दैट इंडिविजुअल विल स्पीक फॉर एवरीबडी एंड विल इंट्रोड्यूस द एंटायर टीम। तो पहली जो दो महिलाएं बोली उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो कैसे, क्योंकि सब बहू थे। हाँ। और वो अपने दायरे से बाहर उनको निकलना, निकलने की परमिशन अक्सर नहीं मिलती थी, और वो भी इतने बड़े मंच पे आके फिर लोगों से बात करना, तो वो देवर लिटिल हेजिटेंट। तो उन्होंने बोला कि हम क्या बोलेंगे, आप ही बोल दो हमारी तरफ से। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपके कान में बोल दूँगी, आप वो रिपीट कर देना। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आई जस्ट हैड टू डू इट विद द फर्स्ट टू लेडीज़। फिर तीसरे से तो वो खुद अपने आप शुरू हो गए, विच वॉज़ लवली टू सी। पर पहले दिन करीब 4 बजे मेरे पास हमारे जो उप सरपंच थी उनके हस्बैंड का कॉल आया कि भाई खाना बनाने का समय हो गया, आप मेरी वाइफ को वापस घर भेजिए। तो फिर मैं सबको उनके रिस्पेक्टिव घर जाके उनको ड्रॉप कर दिया। अगले दिन फिर हम निकले, क्योंकि एक दिन में तो पूरे गाँव में आप नहीं कर सकते हैं ये काम। फिर हम निकले, फिर करीब 4 बजे उसी व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास। तो मैं फ़ोन उनके वाइफ को देने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे मेरे वाइफ से बात नहीं करनी है, आप बस मैसेज पास कर देना। और साथ में उसने बोला कि आप मेरी वाइफ को बोल दीजिए कि वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप सब भी, आपको जितना ही टाइम लगे आप फील्ड में रहिएगा, चाहे वो रात के 12 बज जाए, सवेरे 1 बज जाए, जितना टाइम लगे आप लीजिएगा। मैं कॉल सिर्फ इसलिए किया है ये बताने के लिए कि आज या तो मैं मेरे पड़ोस की मदद ले लूँगा या फिर आज खाना मैं खुद बनाऊंगा। सो नाइस। एंड दिस इज डे 2, यू नो, सो दिस इज, आई एम शेयरिंग दिस एग्जांपल क्योंकि लोगों को लगता है कि माइंडसेट बदलना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहती कि आसान है, समय लगता है, परंतु जब कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो भी एट वेयर यू आर टॉकिंग एज इक्वल्स, पीपल आर फार मोर रिसेप्टिव एंड दैट चेंज हैपन्स। तो रही बात चाइल्ड मैरिजेस की, तो ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर मुझे लग ये था कि ठीक है, अगर कोई कर रहे हैं, अब वहाँ उनका जो बातचीत हुई है फैमिली से वो हो गई है, सो आई गिव देम टाइम टिल डिसम्बर 2010। ऐसे ठीक है, जिन्होंने कर लिया कर लिया, लेकिन इसके बाद आप नहीं करेंगे, अगर मुझे पता पड़ा तो फिर मैं ही आपके अगेंस्ट पुलिस में केस कर दूँगी। हाँ। या पुलिस को इतला कर दूँगी। और लकली ऐसे कभी करना नहीं पड़ा। साथ में हमने हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स थी उनको उनसे बात की, क्योंकि उनको पता होता था कि हर घर में क्या हो रहा है। तो मैंने उनको ये बोला कि यू विल रिमेन अनोनमस, किसी को नहीं पता पड़ेगा कि मुझे कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और या गांव वालों को भी मैंने बोल रखा था, किसी के भी अगर किसी को भी पता पड़ता है कि कोई अंडर एज बच्चा या बच्ची है जिसकी शादी होने वाली है, तो आप मुझे आके प्राइवेटली बता दीजिएगा, आपका नाम नहीं लिया जाएगा। एंड देन जब भी ऐसे ज़्यादा नहीं केसेस हुए, गिनती के शायद तब से लेके आज तक 2-3 ही ऐसे हुए होंगे, तो फिर मैंने फिर खुद जाके पेरेंट्स से बात की, खासकर फादर से। और मैंने ये बोला कि आप ये देखिए कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लकीली आज की तारीख में ज़्यादातर सभी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि एक तो आपका बच्चा या बच्ची थोड़ी कम उम्र है, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब चाइल्ड मैरिजेज एटलीस्ट हमारे एरिया में छोटे छोटे बच्चों के लिए, बट से 18 ईयर्स की जगह 16 ईयर्स या 17 ईयर्स के जब बच्चे हो जाते हैं तब सोचते हैं।
मैं उनको ये बोलती हूँ एक दो साल ही तो आपको वेट करना है. सो थिंक अबाउट एज एन इन्वेस्टमेंट, यू आर एम्पावरिंग योर चाइल्ड. यस. और कल को अगर उसको काम करने की ज़रूरत हुई, अगर उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आज अगर उसे 800 रुपये मिल रहे हैं, कल को उसको 4 गुना ज़्यादा मिल सकते हैं. सो थिंक अबाउट दैट. बस इतना ही कहना काफ़ी था. और मदर्स भी, एक तो मदर्स जिनके सिर्फ गर्ल चाइल्ड हैं, बेटे नहीं हैं, तो अक्सर वो भी मेरे पास आते हैं कि दबाव हो रहा है, वो मेरे मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं बच्चियों को स्कूल भेज रही हूँ. तो मैं उनको ये बोलती थी कि आप ये सोचिए, सो अगेन कॉन्वर्सेशंस, कि आप जिस दायरे से गुजरे हैं, आप शायद नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटियाँ उस दायरे से गुजरें या वो सब चीज़ें महसूस करें. और उसके लिए आप माँ हो, सबसे ज़्यादा सक्षम और सशक्त आप हैं. और अगर इतने साल आपने ये दबाव झेला है, तो बस कुछ साल और हैं, पर ये आपने पास कर लिया तो सबसे ज़्यादा खुश आप और आपकी बच्चियाँ ही होंगी. तो उसके लिए मैं ये बोलती हूँ, दो कान भगवान ने क्यों दिए हैं, एक से सुनो दूर से निकाल दो. आपका क्या जाता है, जाता है ना. बस ये कोशिश करो कि रिएक्ट नहीं करो, और ये कोशिश करो कि उस पर स्ट्रेस मत लो. सो अगेन बस इतना कहना, और ये शायद जानना कि भाई कोई है जिसे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है मेरी बच्चियों के लिए. सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ आल्सो चेंज द आउटलुक. और वो जो दबाव जिसमें वो महिलाएं पढ़ने वाली थी, वो उससे उभर के आई हैं. इनफैक्ट मेरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट शायद ये है, एक लेडी है हु लॉस्ट हर हस्बैंड वेरी अर्ली, तो अकेले वो सब कुछ संभाल रही हैं, और उनकी जो बच्चियाँ हैं, उन्होंने मुझे नहीं बोला था, ये एक मीडिया पर्सन को बोला था उन्होंने, जो मुझे बाद में पता पड़ा. उन्होंने ये कहा उनको कि विथ मी बींग इन द लीडरशिप रोल एंड बींग एबल टू डू वट आई बीन एबल टू डू, शी सेड एक चीज़ मैंने, उनकी माँ ने, बच्चियों की माँ ने बोला कि एक चीज़ मैंने सीखा है इनको देख के, वो ये है कि ज़रूरत है कि भले ही लड़की हो, कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो. और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ पढ़ाई करें और ख़ुद अपने पैरों पे खड़ी होएं और इंडिपेंडेंट होएं, और जब तक ऐसा नहीं होता मैं उन पर दबाव नहीं डालूंगी कि शादी करें. सो दैट कमिंग फ्रॉम अ वुमन लाइक दैट, आई पर्सनली थॉट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स. एंड द अदर वन दैट आई रिसीव्ड वाज एक जेंटलमैन, ऑफकोर्स मैं, क्योंकि मैं बहुत इंक्लूसिव हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो इनसिक्योर हों या जिस भी वजह से अगेंस्ट कहते हैं अपने आप को, मेरे अगेंस्ट या ऑपोजिशन जो शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं. तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखिए, आप ही गांव के मेंबर हैं, उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने दूसरे हैं. आप पर आप जब भी चाहें, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप जब भी चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम डेवलपमेंट के काम को और बढ़ा सकें. सो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, द डोर्स आर ऑलवेज ओपन. तो एक ऐसा व्यक्ति है जिससे अब मेरी कॉन्वर्सेशंस होती रहती हैं, तो उन्होंने खुद ने मेरे पास आके ये बोला कि ठीक है, मैं आपके ऑपोजिशन में तो हूँ, पर मुझे ये तो कहना पड़ेगा कि जब मैं गांव से बाहर जाता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे खुद को गर्व होता है उनको ये कहते हुए कि हमारी सरपंच ने जितना काम किया है, वो शायद ही कोई किसी मिनिस्टर ने 50 साल में भी किया होगा. एंड दैट कमिंग फ्रॉम समवन हु क्लियरली क्लेम्स ही इज़ माई ऑपोजिशन, I think it's the best compliment I can get. It indeed is. Yeah. And I'm sure there would be so many more episodes like these, Chhavi. But before I go, okay, quick two questions. Mm-hmm. We've spoken about your work. We've spoken about parents. When you're free, which I don't think you're going to be, what do you do? Like, what do you do for yourself? Yoga do you do? Yoga, that's what keeps me going. And meditation. My downtime, especially when I'm in the village, is with kids. Playing some games. अगर कोई विजिटर होता है तो आई मेक इट अ पॉइंट कि हम गाँव वासियों के साथ कुछ नया खेलें. तो कोई गेम हो जाता है या म्यूज़िक हो जाता है. एंड द ब्यूटी ऑफ दैट इज़ कि सिर्फ बच्चे ही नहीं परंतु बुज़ुर्ग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. Okay. एकदम बच्चों की तरह. तो सो ये मोमेंट्स होते हैं विच आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. और अगर मैं जयपुर में होती हूँ तो आई लव एनिमल्स एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई पेट्स. सो हमारे घर में डॉग्स हैं, गाय हैं. सो दैट्स माई डाउन टाइम रियली एंड फॉर माई सेल्फ. एंड व्हेन आई गेट अ चांस टू स्लीप, आई लाइक टू स्लीप. आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ स्लीप. आई डोंट गेट टू डू एनफ ऑफ दैट. ऑलराइट, फाइनली अ मैसेज फॉर ऑल द पीपल हु ट्यून्ड इन. एंड ऑफ कोर्स दिस टाइम द शो इज गोइंग अक्रॉस कंट्री. आपको बहुत लोग सुनेंगे, देखेंगे जागरण पर, रेडियो सिटी के मैच पर.
एक मैसेज सबके लिए छवि. दो मैसेजेस दो चलेंगे. सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि मुझे अभी भी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है. हाल ही में मैंने एक गर्ल्स कॉलेज को टेक ओवर किया है. वो गर्ल्स कॉलेज हमारे गांव में है, बंद होने वाला था तो कंडीशन उसकी काफ़ी सैड है. परंतु मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे हम लोग मिल के इन यंग लेडीज़ को, ये जो महिलाएं हैं गांव की हैं सब, अगर इनको हम एम्पावर कर सकते हैं सही तरीके से और उनमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं एंड ऑल्सो इंस्टिल बेसिक वैल्यूज़ जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम भूल जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये महिलाएं ना तो सिर्फ अपने खुद के गांव जहाँ पे ये पैदा हुई हैं वहाँ इम्पैक्ट लेके आ सकती हैं, पर कल को जहाँ शादी होगी उस गांव में भी वो इम्पैक्ट लेके आ सकती हैं. और ज़्यादातर इस कॉलेज में जो बच्चियाँ हैं वो बीएड, बैचलर्स इन एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये कोर्सेज कर रही हैं. तो अगर वो समझ सकें कि एक अच्छे टीचर बनने का या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो मेरे ख्याल से वो एक नहीं परंतु इतने सारे जनरेशन्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट वर्किंग टुवर्ड्स एंड ऑल्सो होपफुली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ये दो टर्म का, 10 साल का पंचायत में, वो मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ इन द होप दैट आई विल बी एबल टू क्रिएट द नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप, नॉट जस्ट फॉर माई विलेज बट फॉर मैनी अदर विलेजेस. क्योंकि यहाँ पे बच्चे आती हैं अलग अलग गाँव से, अलग अलग क्षेत्र से, और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है. क्योंकि मेरा ये मानना है कि एजुकेशन एंड स्किलिंग, अगर ये चीज़ भी इस पर हम फोकस कर सकें तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली विल गेट फिक्स्ड. तो इस पर हम काम कर रहे हैं एंड दिस इज़ माई लॉन्ग टर्म विजन एंड उसके लिए मैं सपोर्ट सीख रही हूँ एनीबडी एंड एवरीबडी हु कैन हेल्प. तो हमारे पास अभी एक ऐसा प्रिमाइस है जहाँ पे एजुकेशन तो हो ही रहा है, तो वी नीड टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली प्राइमरी स्कूल लेवल, प्राइमरी टू मिडिल स्कूल लेवल. क्योंकि अगर हमारी पढ़ाई की फाउंडेशन ही अच्छी नहीं है तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे देश के लिए एसेट क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम इम्पैक्ट लेके आना चाहते हैं. और क्योंकि ये बच्चियाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही हैं तो हम इनको स्कूलों के साथ, सरकारी स्कूलों का जोड़ रहे हैं, आंगनबाड़ी के साथ जोड़ रहे हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है. Right. So I would love for people who have the expertise to come and join us and guide us and help us. साथ में गांव का क्षेत्र है तो मुझे अच्छे लेक्चरर्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो I'm hoping people will come forward and join us. साथ में ये जो एरिया है 9 बीघा का है, तो यहाँ पे हम एक स्पोर्ट्स क्लब खोलना चाहते हैं जो सबके लिए, सिर्फ कॉलेज की बच्चियाँ ही नहीं परंतु गांव में जो यूथ हैं, चाहे वो लड़के हों, लड़कियाँ हों, एडल्ट्स हों, उनको हम स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना चाहते हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे जो डिविजन्स अपने सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लर हो सकते हैं, और एक टीम स्पिरिट का कॉन्सेप्ट जो हमारे सोसाइटी में नहीं है उसको हम इंस्टिल कर सकते हैं. और साथ में हमारी एक बिल्डिंग है जो यूटिलाइज नहीं है पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जहाँ हम चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम खोल सकें, जिसके लिए हमें चाहिए ऐसे लोग जो गाँव में आके लोगों को स्किल सेट सिखा सकें. और हमारे पास सब कॉलेज के थ्रू एक ऐसी टीम है जहां हम मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई काम सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उन जो स्किलिंग स्किल सेट्स नए सीख रहे हैं उनको हम कंटिन्यूस बेसिस पे गाइड कर सकते हैं. परंतु हमें ज़रूरत है कि लोग आएँ और वो स्किल सेट्स हमें सिखाएँ, हमारे लोगों को सिखाएँ, एंड वी क्रिएट अ मार्केट लिंकेज वेयर दे कैन कम ऑन टू taking on the ownership and become responsible for themselves as well. So, एक तो ये चीज़ है. और दूसरा जो मेरा विजन रहा है कि ठीक है, हम लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है, गांव में अभी भी डेवलपमेंट नहीं है. कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं, शहरी लोग, जो उन्हें लगता है कि अरे भाई हम क्यों गांव में मदद करें, हमारे गांव से कुछ लेना देना ही नहीं है. तो मैं खासकर जो इस विचार के लोग, विचारधारा के लोग हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. कि अगर मान लीजिए मेरे गांव में जहाँ पे पीने तक का पानी नहीं है, तो लोगों का पूरा हक है कि वो ऐसे जगह जाएं जहाँ उन्हें सर्वाइवल के लिए बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड अवेलेबल हों. तो अगर वो शहर आते हैं तो ठीक है, आपको नहीं जानते हैं वो लोग कौन है, परंतु उसका स्ट्रेस जो इमिग्रेशन हो रही है इन टू द अर्बन एरिया, उसका स्ट्रेस कहीं ना कहीं सभी लोगों को फील होता है.
अगर मान लीजिए डेवलपमेंट वर्क हो रहा है शहर में, जहाँ एक ओवरब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, कि भाई हमारी जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा ईज मिल सके, परंतु जब तक वो कंप्लीट होता है तब तक 10 गुना लोग माइग्रेट कर चुके होते हैं, तो फिर वो जो उसका एम है, पर्पस है, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है. तो ये एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है. तो हमें ये समझना है कि वी लिव इन अ प्लेस वेयर वी आर इंटरकनेक्टेड, वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. वी बिलीव इनडायरेक्टली बट एक्चुअली वी आर ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रियलाइज दैट एंड वी हेल्प ईच अदर आउट इन वट एवर कैपेसिटी वी पॉसिबली कैन. साथ में आई थिंक बिफोर वी पॉइंट फिंगर्स एट एनीबडी एल्स, वी ऑल्सो नीड टू ट्राई एंड डू समथिंग ऑन अ ओन. मुझे अक्सर लगता है कि अपने देश में लोग ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि मैं अकेला क्या करूँगा. बट क्लीशेड एज इट मे साउंड, हमें पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है. साथ में अगर हम देखें, एक बूंद अपने आप में ओशन है. True. और जब बहुत सारे बूंद इकट्ठे हो जाते हैं, इट हैज़ अ लार्जर इम्पैक्ट. तो जब लोग ये सोचते हैं मैं अकेला क्या करूँगा, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक बूंद भी अगर आप देखेंगे, जब वो एक ही जगह लगातार, भले रोज़ नहीं, भले हफ्ते में एक बार, परंतु वो ड्रॉप जहाँ पड़ता है कंसिस्टेंटली एक ही जगह जब पड़ता है, तो उसमें ये क्षमता है कि सबसे कठोर पत्थर को भी वो मोल्ड कर देता है. True. और वो क्षमता हम सब इंडिविजुअल्स में है. तो अगर हम ये समझें, तो मेरे ख्याल से ये सोच के साथ और समझ के साथ हम जब आगे आएँ, लोगों की मदद करने आएँ, एक दूसरे की मदद करने आएँ, देश की मदद करने आएँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे आड़े आ सकती है जिससे कि हमारा देश विकसित ना हो. True. एंड उसके लिए आई थिंक द रीज़न आई एम वेर आई एम इज़ क्योंकि मेरा ये मानना है कि ठीक है, हम सारे गांव को एक साथ एक बार में डेवलप नहीं कर सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है. सो इवन इफ इट इज़ वन विलेज एट अ टाइम, क्यों नहीं हम लोग जिनके पास अलग अलग एक्सपर्टीज है मिलके एक गांव को पूरी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट लेके आ सकें, तो उससे एक तो एक मॉडल विलेज इन द ट्रू सेंस देखने को मिलेगा, साथ ही में उससे लोग इंस्पायर होंगे, हमारे जैसे लोग जो दूसरे विलेजेस को भी ऐसे ही जुड़ के डेवलप कर सकते हैं. और साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उस गांव में जो लोग रह रहे हैं, खासकर यूथ और जो विमेन हैं, दे कैन बिकम द चैम्पियंस, और वो खुद आगे अगले पंचायत या गांव में जाके वो चीज़ आगे प्रमोट कर सकते हैं, एंड सो दैट वी कैन हैव द रिपल इफेक्ट. सो आई डोंट थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इफ़ वी अंडरस्टैंड कि भले छोटे कदम हम उठाएं, परंतु कदम तो उठाएं. Yes. और अगर सब मिलके, अगेन इट ऑल बॉयल्स डाउन टू कोलैबोरेशन, टीम वर्क. क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, शायद जिस प्रकार की रोड्स बन रही हैं, मे बी इट मे नॉट नेसेसरी हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि ग्रेडियंट क्या होनी चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, क्या जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका मिक्सचर कैसे बनना चाहिए, उसको कैसे मॉनिटर करना चाहिए, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल रही है. सो आई नीड समवन टू हेल्प मी विद इट. आई नीड समवन टू हेल्प मी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वाटर, इकोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एवरीथिंग. सो आई थिंक दैट इज़ वॉट माई मैसेज वुड बी. कैन वी नॉट कम टुगेदर टू हेल्प टेक द कंट्री फॉरवर्ड एंड बी प्राउड ऑफ इट. नो, आई एम सो वेरी ग्लैड, एंड आई थिंक व्हाट यू हैव सेड मेक्स सो मच ऑफ सेंस. And I just hope ki bahut sare log ye sunen, dekhen. I hope because, so too. I mean, if I get a chance, I would really want to come because I teach. Thank you so much for talking to us. Thank you. And you're a Shiro in true sense. We wow. just hope ki bahut sare chal. So are you. Thank you so much. So are you. Hero. Shiroes. Thank you for watching Shiroes. That's Chhavi Rajawat. Read more about her. Jo pura bola hai na interview mein, uska thoda sa ansh bhi agar contribute kiya, I think we will make a change together. And we can make a change together. Thank you for watching. Radio City.